देखिए, ये यहाँ पे है सिस्टम, ये यहाँ पार्टिकल, तो पार्टिकल का मतलब होता है कि एक सिंपल सा पॉइंट है जिसका मास जो है आपको दिया हुआ है कि कोई सा भी आप ऑब्जेक्ट उठा लो जिसका मास जो है बहुत ही छोटा हो और साइज जो हो क्या हो, लेकिन मास क्या बोलोगे इसमें, मास इज फाइनाइट और बट व्हाट साइज इज व्हाट वी कॉल्ड व्हाट साइज एंड स्ट्रक्चर, तो साइज एंड स्ट्रक्चर कैन बी नेग्लेक्टेड। यही साइज है। दूसरा देखते हैं सिस्टम क्या है। तो सिस्टम का मतलब, हाँ सुनाई दे रहा है, सिस्टम जो आप पार्टिकल मतलब थोड़ा बेटर एक्सप्लेन कर, हाँ जी मुझे नहीं समझ में आ जाता। जैसे पार्टिकल का मतलब क्या है ना, दुनिया में कोई ऑब्जेक्ट हो जिसके पास मास जो है फाइनाइट हो बट उसका जो स्ट्रक्चर जो है और उसका जो साइज जो है कैन बी नेग्लेक्टेड। अब आया सर, अगर मास फाइनाइट है तो साइज कैसे निगलेक्ट हो सकता है? ये है डॉट, इस डॉट के पास मास भी है लेकिन साइज निगलेक्टेड। बच्चा मास अगर होगा तो वो तो बहुत कम होगा ना, फिर तो उसे हाँ, निगलेक्ट भी नहीं, तो नहीं मास को नहीं, कुछ भी हो लेकिन बोला दुनिया में कुछ भी है तो उसके पास मास जरूर होगा। आप हो दुनिया में कुछ हाँ। भी चीज है उसके पास मास जरूर होगा, साइज सेप को नगलट कर सकते हो। ओके सर, अगला पॉइंट लिखेंगे सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या होता है देखिए, सिस्टम जो होता है इज अ कलेक्शन ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। विच म्यूचुअली इंटरैक्ट विथ वन अनदर आ रहा, क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या सर, क्या बोलना बताइए। द सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटरैक्ट विथ वन अनदर। सही, आगे आइए। आगे लिखेंगे, हटा दो इसको। यस सर। अब हम लिखेंगे, एक होता है इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस क्या होता है पता है, कि फोर्सेस इन द सिस्टम राइट, द म्यूचुअल फोर्स एग्जर्टेड by the particles of a system on one another। are called internal forces।
इसको बोलते हैं टर्म, क्राउड है। नो सो आगे लिखिए, एक इंटरनल फोर्स हो गया, दूसरा एक्सटर्नल फोर्स। क्या होता था यहाँ पे, तो नाम से क्लियर है, द आउटसाइड फोर्स एग्जर्ट करे राइट ऑन द सो सिस्टम बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्सेस। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, म्यूचुअली इनसाइड हो इंटरनल फोर्सेस। हो गया, यस सर। आगे चले। यस सर। अब देखिए, खूब सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास, ऐसे तो इसको बोलते हैं कलेक्शंस ऑफ पार्टिकल, है ना। यस सर। मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टम। अगर हमारे हमें इसके बारे में स्टडी करना हो तो कैसे करेंगे बताओ। अगर इसको हमें इनके बारे में स्टडी करना हो तो उनको हम बोलते हैं द स्टडी ऑफ द पार्टिकल्स। अब इतने सारे पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे यस कि एक पॉइंट लेंगे, उसको बोलेंगे CUM। मतलब क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास। आवाज क्लियर आ रही है। यस सर। तो यहां बोलेंगे इट इज द सिंगल पॉइंट हैविंग हैविंग, ऐसा बोलोगे ना, सिंगल पॉइंट ऐसा बोलो, विच मूव इन अ सेम वे इन विच अ सिंगल पार्टिकल हैविंग द टोटल मासेस ऑफ द सिस्टम एंड एक्टेड अपॉन बाई द सेम एक्सटर्नल फोर्स वुड मूव। मतलब क्या है, सारे पॉइंट पार्टिकल को एक पॉइंट पार्टिकल में हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, उसको बोलते हैं CUM। क्या बोलते हैं उसको, CUM। मतलब सारे पॉइंट्स हटा दो, सारे पॉइंट्स को मिला के
एक पॉइंट देंगे, इसको बोलते हैं CO, सेंटर ऑफ मास। क्या होता बताइए सेंटर ऑफ मास? सर इट इज अ सिंगल पॉइंट विच मूव इन द सेम वे इन विच अ सिंगल पार्टिकल हैविंग टोटल मास ऑफ द सिस्टम वुड मूव एंड एक्टेड अपॉन सम एक्सटर्नल फोर्स वुड मूव। अब कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास वो देखते हैं। स्टार्ट करें। यस सर। जैसे एक रॉड है, ऐसे ये है CO। एक और रॉड देखो सर, मतलब कि अगर ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो इसको बोल सकते हैं CO। एंड एवरी पार्टिकल मूव इन अ सेम, राइट, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल। कैसे निकालते हैं वो देख अब डिस्कस करेंगे। मान लो वी हैव अ टू पॉइंट्स ऐसे, जीरो कॉमा जीरो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ले लो एक पॉइंट यहां पे, इसका मास M1 है, एक पॉइंट यहां पे, इसका मास M2 है, इसको ज्वाइन कर दो, इसको बोलोगे RCM। क्या बोलोगे इसको? ये R1 है RCM और ये है R2। R1 क्या है? पोजीशन किसका? फर्स्ट पार्टिकल का। पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल R2 क्या है? पोजीशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल। RCM क्या है? पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टिकल। कैसे निकालेंगे? RCM मास ऑफ फर्स्ट, पोजीशन ऑफ फर्स्ट, मास ऑफ सेकेंड, पोजीशन ऑफ सेकेंड अपॉन मास M1 प्लस M2। हो गया। पर अगर इफ दोनों अगर इक्वल हो जाए तो RCM किसके इक्वल होगा? R1 प्लस R2 बाई 2, इसको बोलते हैं RCM, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। राइट।
हुआ। नहीं सर, लिख रही हूँ। सर क्या लिखा आपने? आर वन इज पोजिशन ऑफ पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल सॉरी आर टू इज द पोजिशन ऑफ द सेकेंड पार्टिकल आर सी एम इज द पोजिशन ऑफ द थर्ड पार्टिकल तो इफ एम वन इज इक्वल टू एम टू इज इक्वल टू एम तो एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपॉन एम वन प्लस एम टू and r1 plus r2 upon that will become r1 plus r2 upon 2 that is rcm ठीक आगे चलें। यस सर। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, आगे देखो हम निकालेंगे VCM क्या होता है। A1 क्या होता बताओ? A2 बताओ? A2 लिख लो। यस सर। यस सर। हाँ लिख लिया। क्या होता है आरसीएम बताइए। सो आर वन प्लस आर टू अपॉन टू और वीसी वो तो तब हो जाए दोनों का मास बराबर होगा। ओके और दोनों का मास इक्वल ना हो तो ये वाला फॉर्मूला एम वन एम वन आर वन प्लस एम एम टू आर टू अपॉन टू नहीं एम वन प्लस एम टू एम वन प्लस अब लिखो वो। अब ऐसे करते हैं देखो सुनो एक डायग्राम बनाते हैं एक डेरिवेशन करते हैं थोड़ा सा बड़ा सा। देखिए एक्स एक्सिस यहाँ देखो y एक्सिस m1 m2 r1 r2 आर सी एम ये इस पर फोर्स लगा दोगे यहाँ पे इस पर फोर्स लगाएगा। आप सुनो ये दोनों जो फोर्स है इंटरनल फोर्स है मान लो कोई इस पर फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है
इस पे भी एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा रहा है। क्या करोगे बताओ, सबसे पहले बी वन निकालो, क्या निकालोगे? बी वन ए वन निकालो, हाँ जी सर, सर नोट कर रही हूँ। वन पे दो फोर्स लग रहा है, पता है कौन कौन सा? एक तो इंटरनल, एक एक्सटर्नल, है ना? सेकंड वाले पे बोलो। यस सर। तो कॉपी कर लो आप। सेकेंड वाले पे तो F218 लगेगा और F2 जो वो EXT जिसके साइड में लिखा है वो लगेगा। हाँ, अब दोनों को जोड़ दो। सर वो EXT का मतलब क्या एक बार बता देंगे? एक्सटर्नल फोर्स। ओके देखो, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए वन फर्स्ट बॉडी, टोटल फोर्स जोड़ो। तो ए एफ वन देखकर पहले लिख सकते हो कि एम वन ए वन फर्स्ट एक्सटर्नल फोर्स। दूसरे को निकालो, को ऐड कर दो। अब बताओ ये दोनों कैंसिल, तो F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल आया। ये दोनों कैंसिल क्यों? बाय न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड विल बी इक्वल टू माइनस टाइम फोर्स टू ऑन वन। आया क्या? यस सर। कॉपी कीजिए। सर एक बार आप वो लॉ बता देंगे वो मैं नोट कर लूंगी। कौन सा लॉ? जो जिससे कैंसिल आउट हो रहा है इसको बोल न्यूटन थर्ड लॉ। अच्छा ठीक है सर, थर्ड लॉ तो पता है।
यस सर, डन. आगे चला। ओके यस सर. अब लिखेंगे एक अच्छी चीज, एम ए सी एम किसके बराबर होगा? एफ। फिर से निकालो। फिर आप क्या करोगे? ए सी एम तो आपको लिखना, यहाँ लिख लो ए सी एम किसके इक्वल होगा? फर्स्ट बॉडी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी सेकंड वेलोसिटी, जोड़ दो। वी सी एम निकालिए। वी सी एम निकल गया। कैसे निकालोगे वी सी एम? आर सी एम निकालिए। आर सी एम तो पोजिशन है, इस कॉपी कीजिए। यस सर, कर क्या लिखा है आपने? सर, एम ए इज इक्वल, एम ए सी एम इज इक्वल टू एफ विच इज इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2. तो M1 d² R1 अपॉन dt² प्लस M2 d² R2 अपॉन dt² तो MACM will become M1V1 plus M2V2 upon M1 plus M2, ठीक and है। ECM will be M1R1 plus M2R2 upon M1 plus M2. तो बस और क्या लिखा है? क्या होता है सेंटर ऑफ मास बताइए। सर, सेंटर ऑफ मास विल बी वेयर लाइक ऑल द पॉइंट्स विल कम, लाइक ऑल द पार्टिकल्स विल कम टुगेदर एंड they will act as one body where they are and they will move with effect of external force. और आगे लिखिए। यस सर. सेंटर ऑफ मास निकालना सीधा। यस सर, आई थिंक. चलिए आगे चला। यस सर. देखिए एक्सियम वाईसियम जेडसियम। एक्सियम निकालिए। अगर मान लो कि इफ यू हैव मेनी पार्टिकल्स तो क्या करते?
वाइसियम होता तो जेट से बताइए। ये है पोजीशन। ये है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। आया कुछ समझ में? यस सर। सर जो हमारी कल की क्लास है हम वो 9 to 11 कर सकते हैं क्या? ठीक हाँ, 9 to 11 कर लीजिएगा। है सर। तो सर ये चैप्टर जो है बिकॉज एग्जाम्स आ रहे हैं तो कब तक खत्म हो जाएंगे? हो जाएगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा। सर 4 क्लासेस। हाँ ठीक है, तो अगले वीकेंड खत्म कर लेंगे। हाँ यस सर, डन। आगे चलिए। यस सर। एक्सियम हो गया, वाईसीएम हो गया, जेडसीएम हो गया। अब हम क्या क्या निकालेंगे, कितने फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिया। आरसीएम निकालने का एक जनरल फॉर्मूला, आर का टर्म में लिख लो। M1 और 1 plus M2 और 2 upon M1 plus M2। कैसे भी लिखो, किसका निकालो। अगर कोई बॉडी कंटिन्यूअस हो तो कैसे निकालोगी। जो आपने आरसीएम का दूसरा फॉर्मूला लिखा है वो क्या है? मुझे नहीं समझ में आ रहा। इसको बोलते हैं समेशन। क्या बोलते हैं इसको, वन पुट करोगे तो वन आएगा, समेशन। M1 R1, फिर प्लस पुट करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट टर्म M1 R1, फिर प्लस M2 R2, फिर प्लस M3 R3। एक टाइप का गेम है, कब तक चलते रहेगा, जब तक एन ना आ जाए, है ओके सर, गॉट इट। ना। सिंपल से इसको बोलते हैं समेशन फार्मूला, सम फॉर्म समेशन है ये। आगे चले, यस सर। आगे देखिए। हम ये बोल सकते हैं कि आर से निकल गया, कोई बॉडी अगर कंटिन्यूअस हो तो कैसे निकालते हैं। सपोज हमारे पास कोई बॉडी ऐसे, क्या करोगे बताओ। एक्सिस्टेंस पर क्या एलिमेंट ले लो dx, तो एक फॉर्मूला लिखो कैसे यस सर। निकालते हैं। आरसीएम विल बी इक्वल टू 1/m RDM। ये है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर एक्स एक्सिस का निकालना हो, बॉडी कंटिन्यूअस हो, हो गया तो कर लो।
आगे देखिए, ये तो निकाला, इसे निकालते हैं। वी सी एम कैसे निकालते हैं, एक्स सी एम कैसे निकालते हैं, ए सी एम कैसे निकालते हैं, वी कैन इजिली कैलकुलेट। मान लो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके सामने ऐसे, जीरो पॉइंट फाइव एम, वन एम, ये है एम थ्री, इसका पोजीशन दिया हुआ है थ्री बाई टू, तीनों मास दिया हुआ है। सो रूट थ्री बाई टू है ना? हाँ जी, इसका सेंटर ऑफ मास निकालिए, यूज द फॉर्मूला। एक बार आप करके दिखा देंगे? हाँ, बिकॉज मुझे वैल्यूज डालना है, मुझे नहीं समझ पा रहा क्या वैल्यूज कहाँ डालना। सबका फॉर्मूला यूज करो एक बार। तो सर आर सी एम विल बी एम वन प्लस एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू। सुनो, डॉट डॉट एम एन आर एक्स वन जीरो कॉमा जीरो, इसका पोजिशन बताओ। इसका पोजीशन ए दे रखा है, ए कॉमा जीरो, इसका पोजीशन दे रखा है रूट, एक सेकंड क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने सर। देखो इसका पोजीशन है वन कॉमा जीरो, इसका पोजीशन है रूट थ्री, इसका पोजीशन है जीरो पॉइंट फाइव, हो गया। इसका क्या पोजीशन निकला? इसका जीरो पॉइंट फाइव कॉमा रूट थ्री बाई टू। सॉल्व करो, करो, आप कर सकते हो। एम वन पता है, एम टू पता है, एम थ्री पता है, सबका पोजीशन पता है। नहीं सर, अभी भी कंफ्यूजन हो रही है, एक बार कर देंगे प्लीज। अब तो कर ही दूंगा जब आपने बोल ही दिया तो। देखो पहला क्वेश्चन पुट करो, फॉर्मूला पुट करो एक बार। सबका समेशन पुट करो, आप क्या करोगे बताओ। अमोन कितना दे रखा है? वन के जी दिया नहीं है। दिया रहे तो एम मान लो, सबका बराबर मानो। अभी एम पोजीशन जीरो, एम वन, एम जीरो पॉइंट फाइव, जीरो पॉइंट फाइव इसका बताइए। और तो एम एम वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम निकालो। ओके सर, अब हो जाए। सर मुझे एम एच में आपने एम जीरो लिखा है, वो एम वन नहीं होना चाहिए। वो पहला ठीक है सर, मैं समझ। सर वाई आ रहा है एम जीरो प्लस एम जीरो प्लस एम रूट थ्री बाई टू अपॉन थ्री एम। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए।
हटा दो। यस सो सेम टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब आप कर सकते हो। देखो वाई एक्सेस एक्स एक्सेस ए बी सी डी 0.0, मान लो कि ये 2.0, 2.2, 0.2, सबका मास है 1 1 kg। सॉल्व कीजिए, एक्स से निकालो। सर मैं बताती जाऊँ आप लिख देंगे क्योंकि फिर आई कैन नॉट एनोटेट। कैसे बताओ, एक्सियम। यस सर, तो एक्सियम सर मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, तो 1 × 0 प्लस 2 × 0 टू सॉरी 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 0 अपॉन फोर। अपॉन 3 नहीं 4 सॉरी एक्सियम आई एम सॉरी वाई सी एम इज इक्वल टू 1 × 0 प्लस 1 × 0 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2 अपॉन 4। ठीक, अगला लिखेंगे। तो हाँ सर दो तो 0.5 आएंगे ना। आप एसएल का बुक हो रही है, पेज नंबर 5.6 का क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए करना। क्या पेज 5.6 क्वेश्चन नंबर 3 एनोटेट कर रहे हैं आप? नहीं सर नहीं कर सकती मानो टेट। क्यों? अच्छा आप शेयर कर दीजिए स्क्रीन। हाँ सर 2 मिनट में खोल रही हूँ फिर बता दूंगी। सर 5.6 तो लॉज ऑफ मोशन में आ जाएगा। 7.6 सर एग्जाम्पल 2 ना। ओके सर कर लूँ स्पेयर 2 मिनट। सो विजिबल है ठीक हाँ जी,
यहाँ पे हमेशा रूट 3/2 होगा? नहीं, जरूरी नहीं है, दे हैव जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन। ओके सर, तो सर मैं अब यहाँ पे क्या अज्यूम करूँ कहाँ पे? इस पॉइंट पे क्या अज्यूम करूँ? नहीं, वहां पे रूट 3 दिया हुआ ना, इफ दे हैव गिवन इन अ क्वेश्चन तो जो दिया होगा वही लेना पड़ेगा। सर उन्होंने दिया नहीं है क्वेश्चन में, कौन सा सॉल्यूशन क्वेश्चन, में लिखा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है? नहीं, वो उन्होंने बाय द वे ना, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट वही होती है। ओके सर, ठीक है। सर रूट 3 की अप्रॉक्स वैल्यू 1.73 ले लूँ? हाँ, 1.714 क्या सर? होगा, 1.74 होता है, 1.714। ओके ओके सर।
सर आगे चलें। ठीक है आंसर। आंसर बिल्कुल 1 सेकंड सही है, ओके एग्जैक्ट सही है। 3 क्वेश्चन कीजिए। सर, ओके सर। ये कैसे करेंगे? इसमें सब कुछ सेम है, जहाँ पे R1 R1 लिखो, फॉर्मूला लिखो, M विल बी इक्वल टू R सेम विल बी इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M1 प्लस M2। सर ओके सर ठीक है। या हेलो बताइए, गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं? एक्चुअली मैंने क्लास, आप कहाँ से बोल रहे हैं? क्लास में बाद में बात करता हूँ।
ठीक है, एक बार देख लीजिए। या मैचिंग द आंसर वेट कितना है आपके पास? 3i+ खुद से कह रहा, चीटिंग तो नहीं किया आपने? फोर्थ नहीं सर, चीटिंग नहीं करी। कर लो फिर हम चलेंगे थ्योरी पार्ट। गुड। ठीक है सर।
सर ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, लाओ क्वेश्चन कर दो, आगे 400 चला। या 100? अब हम करने वाले हैं रिजिड बॉडी, ठीक है, बॉडी है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, उसका शेप साइज चेंज नहीं कर रहा है, तो इफ वी आर एग्जर्टिंग अ फोर्स ऑन द बॉडी एंड इट्स शेप साइज डजेंट चेंज, तो क्या बोलेंगे? द बॉडी आर कॉल्ड रिजिड बॉडी, द बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी, क्या उसमें है, क्या बोला मैंने? बताओ, देखिए, रिजिड बॉडी इट इज अ बॉडी हुज शेप एंड साइज डज नॉट चेंज इजीली। जैसे देखो, कोई रॉड ले लो, तो अगर आप शेप साइज अप्लाई कर रहे हो और इसका शेप साइज चेंज नहीं हो पा रहा है, तो कैसा बॉडी बोलेंगे आप इसको? सुन पा रहे हैं? यस सर, सॉरी म्यूट पे था। क्या बोलेंगे इसको? रिजिड बॉडी। क्या बोलेंगे इसको? यह देखो, रिजिड बॉडी, ये सर्कल है, इसका शेप चेंज नहीं चेंज हो पा रहा, क्या बोलोगे इसको? रिजिड रिजिड बॉडी। देख लो, रिजिड बॉडी आर दोज बॉडी हुज शेप एंड साइज डू नॉट चेंज इजिली।
सर। क्या लिखा आपने? रिजिड बॉडी दैट अ बॉडी हुज शेप एंड साइज डज नॉट चेंज। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, रिजिड बॉडी। आगे चला देखो, यस सर। जैसे क्या होता है, एक होता है थीटा, ये के है, दूसरा ये है, ये आर है। देखो थीटा विल बी इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, एल बाय आर, थीटा इंटू आर, डिफरेंशिएट करो। ऑन बोथ द साइड मैंने कहा था सर, आप नहीं, आप कहो डीएल अपॉन डीटी थीटा इंटू आर वी विल बी इक्वल टू आर ओमेगा, हो गया। एक और देखिए, आदित्य जी, ए विल बी इक्वल टू डीवी बाई डीटी नहीं खाऊंगा यार मैं। मैंने एक मैंने बोला नहीं खाऊंगा पीनट्स। मैं मुंबई आना होगा क्या? यस सर। देखिए आगे चले, देखिए यस सर, ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा क्या होता है पता है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओके सर। ये होता है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा लिखो और लिखो ऊपर नीचे से थ्री थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसका इसका होता है ओमेगा। अल्फा लिखो, अल्फा का दो फॉर्मूला, आगे चला। यस सर। चलिए एक तो ये हो गया, अगला लिखो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर टू अल्फा डेल्टा थीटा। अगला लिखो अल्फा विल बी इक्वल टू पी ओमेगा बाई डी टी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो,
इसको देखिए, अल्फा विल बी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। देखो डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू ओमेगा, क्या करोगे बताओ? ओमेगा डी ओमेगा बाई डी डी थीटा इक्वल टू अल्फा, डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ऊपर नीचे करो डी थीटा बाई टू, इसका तो डी थीटा हो जाएगा, इसका ओमेगा स्क्वायर बाई टू, लिमिट ले लो ओमेगा ओमेगा नॉट, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस टू अल्फा डेल्टा थीटा। सॉल्व करो, यस सर। आगे चले, यस सर। थ्री फॉर्मूला आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डेट वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ। पहला फॉर्मूला क्या है देखो, ये को तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालेगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। डेल्टा थीटा बाई टू पाई, टू पाई पर इधर कंप्लीट एंगल, करो सर। आगे चले, ओमेगा हो गया, यस सर, ओमेगा नॉट हो गया, अल्फा हो गया, टी हो गया, डेल्टा थीटा हो गया, लिखो एन विल बी इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई टू पाई। आगे चले, हाँ मेरी बात सुनिए, सपोज समबडी टेल यू ना कि 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, क्या मतलब है इसका? फ्रीक्वेंसी है ओमेगा है, सर एक बार रिपीट कर देंगे? कोई पूछ रहा 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड क्या है ये फ्रीक्वेंसी? ये है फ्रीक्वेंसी। अगर आपको ओमेगा निकालना हो तो करोगे 2 पाई बाई टी,
45। सो हो गया, आगे चलो। यस सो सो ये आपका फॉर्मूला है। राइट, इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन डेल्टा थीटा, चेंज इन एंगल। प्लीज कैलकुलेट। यस सर, नोटेड। आगे चला, यस सर। क्या लिखा आपने? सर ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस आई मीन ओमेगा ओ स्क्वायर, सॉरी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, आई मीन हाँ। इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज प्लस 2 अल्फा डेल्टा ओ। ओपन पेज नंबर 7.14, 12 से स्टार्ट करते हैं। कुछ पहले से क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट कीजिए। इसको हाइड कर दूं मैं, आप शेयर कर रहे हैं। सर 7.14 ना। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, ओके सर, प्रेजेंट करते हैं। विजिबल है हाँ जी। जस्ट अ मोमेंट। तो एक बार एक्सप्लेन कर देंगे कैसे करना, नहीं समझ में आ रहा। देखो, क्या कर रहे हो? देखो यहाँ पे
हटा दे इसको। सर प्रेजेंट नहीं करूँ, हो गया, जब सराब हो रहा है। देखो एक थीटा दिया हुआ है, कितना दिया देखो, 400 रेडियन। सर टी क्वेश्चन नंबर 13 ना। ट्वेल्व कर रहे हैं, अच्छा मैं 13 कर, सॉरी। कैसा को फाइंड अल्फा फिर इफ सेम फ्रीक्वेंसी इफ सेम टॉर्क टू एक्ट व्हाट विल बी द गेट से हो गया है सब कुछ। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर 20 सेकेंड। फर्स्ट पार्ट तो समझ में आ गया, सेकंड पार्ट कैसे करते हैं? क्या बोल रहा है? एक सेकंड। हाँ सर, फर्स्ट पार्ट तो समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन और अल्फा कैसे ढूंढना है। कैसे देखो, सो फिर थीटा दिया हो देखो यहाँ पे। अच्छा सर, वो वाला पार्ट समझ में आ गया। अब क्या करना है हमें, एक्सेलेरेशन निकालना है ना, ये फॉर्मूला लगा दो। सर वो टॉर्क अगर सेम होगा वो वाला। वो कर रहे हैं ये, ठीक है। यस सर। क्या निकलेगा यहाँ से, सो अल्फा और उसके बाद क्या निकालोगे अगर यही अल्फा अगर सेम अप्लाई करें तो। फिर क्या करोगे, फिर पुट द वैल्यू, हो गया। यस सर, गॉट इट। आगे चलें, यस सर। सो 13 भी एक बार समझा देते हैं, देखिए सर फ्रीक्वेंसी वेक कंफ्यूजन। दिया हुआ है ओमेगा दे रखा है, ओमेगा
पाई फ्रीक्वेंसी दे रखा है, अल्फा बताइए। देखो अल्फा थीटा निकालो, डायरेक्ट पुट करो, सॉल्व कर दो। और सर वो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस वाला कैसे वो करेंगे? होता है फॉर्मूला होता है एन का, ओके सर, गॉट इट। गॉट इट सर। सॉल्व कर रहे हैं इसको? करना है सॉल्व हाँ दोनों को? दोनों को करो स्क्रीन से। ठीक है सर, और मैं प्रेजेंट कट कर दूँ। सर आप प्रेजेंट रोकिए मत, वो अपने आप रहने दीजिए। मिनिमाइज कर दिया मैंने, क्योंकि सर आपको फिर से करना पड़ेगा उसको। करो सर 12 की क्या? हाँ
सर मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई है 2 मिनट। सर 2 मिनट फिर से शेयर कर देती हूँ। बंद हो गया। सर आप विजिबल है? हाँ भी नहीं खाओगे तो क्या खाओगे यार? अरे मैं बोलूँ मैं अपन टाइम से फास्ट करता हूँ ना। अब आप आ रहे हो, मैं एक बार ही खाता हूँ, और शाम खाता हूँ, सुबह खाता हूँ। अपन नहीं खाओगे? अभी नहीं खाऊंगा, बीच बीच में रख दो। ओके भाई नहीं सक रही हूँ 2 मिनट।
सर ये फॉर्मूला ठीक है नंबर के लिए? हाँ, ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालेगा फॉर्मूला। सो ये ठीक है अच्छा वाला। हाँ सर। क्वेश्चन 13। पर और रिचो ऊपर स्लाइड पीछे। हाँ सर बस इतना ही है और ठीक कुछ है, नहीं है। आंसर आ गया। अब टॉर्क है, टॉर्क कर ले। यस सर ठीक है। देखो स्क्रीन शेयर हो गया, यस सर। लिखिए मोमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क। इसको बोलते हैं ये टर्निंग फोर्स जो होता है, इट्स कॉल्ड मोमेंट ऑफ अ फोर्स। टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। आर इज अ पोजीशन वेक्टर, एफ इज अ फोर्स, टाउ इज द टॉर्क। इसका यूनिट होता है मीटर न्यूटन या न्यूटन मीटर। सर टॉर्क के लिए टी लिख सकता है सर? हाँ लिख सकते, टाउ बुक में लिखते हैं। ओके सर। मान लो कि आप कोई गेट खोल रहे हो, वैसे ये इसका एक्सिस हो गया और ए वाला जो दिख रहा है आपको, ए वाला यहाँ फोर्स लिया, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं टॉर्क। लिखो यस सर। आगे चले, यस इसको बोलते सर। हाँ एक सेकेंड छोड़ दो सर, क्लास कब तक है? बस अभी खत्म ही हो गई, अगले कल करेंगे। 9 से 11। हाँ सर। थैंक यू।